यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने जीटी ऑप्शन ले लिया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे गेम में जीटी ऑप्शन आ चुका है न्यू अपडेट के बाद, लेकिन इस ऑप्शन को हमको इनेबल करना होता है। देखो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला होगा एक प्ले का और एक जीटी का और नीचे चेंजिंग का ऑप्शन, तो हम जीटी पे क्लिक करेंगे और गाइस थोड़ा वेट करना है। और वेट करने के बाद हमारा इजिली तरीके से अपना जो जीटी ऑप्शन है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख लोगे कि अपना जो करेक्टर है वो तो इंडियन बैकडे जैसा देखने को मिल रहा है, बट अपनी जो सिटी है वो पूरी चेंज हो चुकी है। देखिए सब तो कितनी ज्यादा अमेजिंग घर वगैरह देखने को मिला, और यहाँ पे एक वाटर टब भी है, मतलब इसके अंदर हम नहा सकते हैं, स्विमिंग पूल एक तरह से देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है और ये ऑप्शन आप लोगों के गेम में कैसा आएगा। अगर आप लोग के गेम में अगर ये वाला ऑप्शन आप लोगों ने इनेबल कर लिया इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद, तो आप लोग भी इजी तरीके से अपने जीटी ऑप्शन को एंजॉय कर पाओगे। तो चलो मैं आप लोगों को ऑप्शन को इनेबल करके दिखा देता हूं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप लोग बोल जाए तो बिना देर बिल्कुल स्टार्ट सेंड कर देता हूं फिर से। जैसे नहीं पता कि ये जीटी ऑप्शन को कैसे अपने गेम में इनेबल करना है, इसके लिए आप लोगों को एक सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग वो सेटिंग कर लोगे तो इजी तरीके से आप लोगों के गेम में ये जीटी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा वेट करना है और इजी तरीके से आप लोगों का जो जीटी ऑप्शन है वो किसी प्रकार से हो जाएगा। हमारे जो जीटी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो जीटी ऑप्शन क्लिक होता है ओपन होता है, तो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। और कितना ज्यादा अमेजिंग और कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। पहले मैं आप लोगों को इसको खेल के दिखाता हूँ कितना ज्यादा कैसे कैसे इसको कंट्रोल करना और क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो पहले तो अपने जो न्यू जीटी ऑप्शन का किचन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, और यहाँ पे डबल बेड वगैरह रखा हुआ देखने को मिला, और भाई कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, नीचे कौन कौन सी चीजें रखी हुई है। ओके तो मैं अभी फाइनली नीचे आ चुका हूँ और देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे तुमको कुछ भी ऐसा फायर फूड एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो। यहाँ पे आके आप लोग इजी तरीके से कपड़े भी चेंज कर सकते हो और अपने फोन में से भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है एक स्विमिंग पूल, और यहाँ पे आप लोग इजी तरीके से धूप वगैरह ले सकते हो, और कितने ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। मैं थोड़ा सा अंदर इसके डुबकी वगैरह लगा लेता हूँ, कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है यार, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ओके यार मैंने इसके अंदर थोड़ी डुबकी लगा ली और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब मैं तुमको यार वो जीटी ऑप्शन को इनेबल करके दिखा देता हूँ जो सा जीटी ऑप्शन को मैंने लिया। तो ये वाला ऑप्शन को हमको इनेबल करना है। देखो जैसे हमारे आप लोग गेम ओपन कर दोगे तो वैसे आप लोगों के सामने थ्री ऑप्शन देखने को मिल दोगे, फर्स्ट प्ले का, सेकंड है, सेकंड का, थर्ड है कस्टमाइज का। तो आप लोगों को कोई भी ऐसा जीटी ऑप्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिला। अब मैं आप लोगों को वो सेटिंग बताता हूँ कि जिसकी वजह से अपना जो जीटी ऑप्शन हमारे गेम में आएगा, और जीटी ऑप्शन को जैसे मैंने खेला है वैसे आप लोग भी खेल पाओगे। तो चलो मैं आप लोगों को वो ऑप्शन को भी बता देता हूँ। अपने जो जीटी ऑप्शन को लेने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो गाइस जैसे आप लोगों ने अपना न्यू अपडेट करा होगा, एक दो दिन पहले जो अपना न्यू अपडेट आया था उसके अंदर अपने कुछ न्यू चीट कोड आए थे जो मैंने आप लोगों को बताए भी थे, लेकिन काफी बंदे मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई एक बार और भी चीट कोड बता दो। तो मैं आप लोगों को वे भी चीट कोड बता देता हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ न्यू अपडेट के बाद हम लोग ये जीटी ऑप्शन को किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से हम लोग इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीट कोड होने वाला है अपने ट्रक ट्रोली का चीट कोड क्या है, तो ट्रक ट्रोली का चीट कोड है 0 12 12। तो अगर आप लोग 12 12 डायल करोगे तो सिंगल ट्रक आएगा, अगर आप लोग 0 12 12 डायल करोगे तो उसके ऊपर ट्रक ट्रोली आ जाएगी। अगर यही काम हम किसी भी बाइक गाड़ी के साथ या फिर कोई कार के साथ करते हैं, जैसे कि मैं तुमको पुलिस कार के ऊपर करके दिखाता हूँ, 0 एंड 100 लगाऊंगा तो उसके बाद इसके ऊपर मोस्टर ट्रक लग जाते हैं, मतलब कि जो अमेजिंग सा लग रहा है ना, अपने के बाद वो मोस्टर ट्रक में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं तुमको बता देता हूँ जीटी ऑप्शन को कैसे लेना है एंड जीटी ऑप्शन का भी चीट कोड क्या है। उससे पहले मैं तुमको बता देता हूँ अपने नो फायर ट्रक का चीट कोड क्या है। तो फायर ट्रक का चीट कोड है 606। जैसे तुम डायल करोगे तो फायर ट्रक भी इजी तरीके से आ जाता है। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंडियन बाइक डाउन ट्रीट के अंदर हम लोग अपने गेम को नाइट मोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नाइट मोड को कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता, जैसे हम नो डायल करेंगे तो इजी तरीके से हमारा जो गेम है वो नाइट मोड में कन्वर्ट हो जाता है। और गाइस जैसे आप लोग दोबारा नो डायल करोगे तो दोबारा से आप लोगों का जो मॉर्निंग है वो हो जाएगा। एंड आप लोगों को बता देता हूँ जीटी ऑप्शन को कैसे लेना, लेकिन उससे पहले यार वीडियो काफी अमेजिंग है, और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो 1K लाइक का छोटा सा टारगेट है, जल्दी से आप लोग 1K लाइक कंप्लीट करो और सब्सक्राइब भी कर दो, इतना आप लोग लाख जल्दी कर दो, इतना काम करते हैं उसके लिए थैंक यू। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो जीटी ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है। जीटी ऑप्शन को लेने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर तुमने प्ले स्टोर से न्यू अपडेट कर रखा होगा, इस वाले का जो न्यू अपडेट आया, मतलब अपने जो न्यू अपडेट 15 तारीख को आया था, तो अगर तुमने न्यू अपडेट कर रखा है तो इसी तरीके से अपने जो जीटी ऑप्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ऑप्शन को इनेबल करके दिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देख लेना, और जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और वीडियो काफी अमेजिंग है तो वीडियो को देखते रहो। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जीटी ऑप्शन को कैसे इनेबल कर, उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। जैसे गेम ओपन करते होंगे वैसे आप लोगों के सामने थ्री ऑप्शन देखने को मिलते होंगे, सेटिंग में जाना आप लोगों को, वो भी आगे बताता हूँ कि अपने जीटी ऑप्शन को कैसे इनेबल करना। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफी बंदे मेरे पास कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई अपने गेम में हम लोग अपने मैप को कैसे ओपन कर सकते हैं। मैप को भी इजी तरीके से ओपन कर सकते हैं गाइस, पहले आप लोगों को अपना फोन निकालना, मतलब कि इंडियन बैकग्राउंड के अंदर जो फोन देखने को मिलता है उसके अंदर आप लोगों को एक मैप का ऑप्शन देखने को मिलता होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो मैप है वो इजी तरीके से ओपन भी हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो मेरा जो फोन मैप ओपन हो चुका है, और कितना ज्यादा अमेजिंग और कितना ज्यादा बढ़िया भी लग रहा है। अब यार मैप को मैंने कैसे लिया और मैप का चीट कोड क्या है एंड मैप को कैसे ओपन करना है वो भी तुमको बता देता हूँ। देखो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस वाले का जो न्यू अपडेट है वो काफी बड़ा और काफी अमेजिंग आया था, उसके अंदर ट्रक ट्रोली एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आई थी। एंड उसी के अंदर अपना जो मैप भी क्लिक करने के बाद मैप भी ओपन
ओपन हो रहा है। लेकिन काफी बंदों के मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे वो बोल रहे थे कि भाई मैप पे क्लिक करने के बाद हमारा जो मैप है वो ओपन नहीं होता है। मैं आप लोगों को इसका भी एक ऑप्शन बताता हूँ। पहले मेरा भी जो मैप है वो ओपन नहीं हो रहा था, उसके बाद मैंने एक सीक्रेट ट्रिक लगाई और इसी तरीके से जो मेरा मैप है वो ओपन हो गया। एंड उसके बाद मैंने इसी तरीके से मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे मैंने अपने गेम में मैप को ओपन करा और आप लोग कैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों का कभी अपने गेम में अपना मैप ओपन नहीं हो रहा तो मैं आप लोगों को वो चीज बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुमको बता दूं कि जीटी ऑप्शन को मैंने कैसे लिया और जीटी ऑप्शन को तुमको कैसे लेना है, ठीक है। और जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करना। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे गेम में जिस तरीके से जीटी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन आप लोगों के गेम में वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर मैंने कौन सी ट्रिक लगा रखी है जिससे मुझे मेरे गेम में जीटी ऑप्शन देखने को मिला और आप लोगों के गेम में देखने को नहीं मिला होगा, तो न्यू अपडेट तो मैंने किया होगा लेकिन न्यू अपडेट के बाद भी कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिला होगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों को पहले अपने सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद एक जीटी ऑप्शन देखने को मिला है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि यार मेरे गेम में तो ऐसा सेटिंग में भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, तो वही तुमको मैं आगे बताता हूँ कि जीटी ऑप्शन को मैंने कैसे लिया था और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मेरा जो जीटी ऑप्शन है वो यहाँ पे कैसे देखने को मिला था एंड जीटी ऑप्शन को कैसे आप लोगों को भी इनेबल करना है। और अगर जीटी ऑप्शन को आप लोग अपने गेम में इनेबल कर लेते हो तो आप लोग का जो गेम प्ले है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। एंड जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो कि कितना ज्यादा अमेजिंग और कितना ज्यादा बड़े बड़े, और अपना जो इंडियन बकरी का करेक्टर है वो आगे से भी देख सकते हो आप लोग, मतलब जो अपने इंडियन बकरी का। अगर आप लोग इसी तरह से प्ले पे क्लिक करोगे, जीटी ऑप्शन पे नहीं क्लिक करोगे, प्ले पे क्लिक करोगे, तो आप लोग के गेम में अपना जो इंडियन बैक ट्रेडिक गेम ओपन हो जाएगा। मतलब कि आप लोग जिसमें दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं जीटी और एक प्ले का, ठीक है। मतलब इंडियन बैक ट्रेडिक भी खेल सकते हो या फिर जीटी मोड भी खेल सकते हो। अब मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि अपने गेम में मैप को कैसे ओपन करना है एंड मैप का भी चीट कोड क्या है। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैप पे क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों का मैप जो ओपन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। तो अभी तो गाइस अपने इंडियन बैक ट्रेडिक के अंदर ये जो तुम मैप देख रहे हो वो मैप काफी बंदों का हो पा रहा है ओपन, काफी बंदों का नहीं हो पा रहा। अगर आप लोगों के गेम में अगर मैप ओपन नहीं हो रहा है और मैप को अगर आप लोग ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा मैप ओपी। अगर ज्यादा से ज्यादा बंदे लिखेंगे कि भाई हम सब एक्साइटेड हैं इस चीज को जानने के लिए, इस चीज को जल्दी से मेरे को वीडियो बना के बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने गेम में मैप को कैसे ओपन करा था और आप लोग भी किस तरह से अपने मैप को ओपन कर सकते हो। लेकिन आप लोग एक्साइटेड हो जब भी आप लोग लिखना कि मैप ओपी, ठीक है। जितने ज्यादा कमेंट होंगे तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं अपने जीटी ऑप्शन को कैसे लेना और जीटी ऑप्शन का भी कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से हम लोग जीटी ऑप्शन को खेल सकते हैं। तो आप लोग के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे जीटी ऑप्शन को कैसे ले सकते हैं, जीटी ऑप्शन का कब तक न्यू अपडेट हमको देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारे इंडियन बैक्ट्री के जो गेम के डेवलपर हैं उन्होंने इस वाले न्यू अपडेट में कुछ इतने ही चीट को डिटेल करे, मतलब ऐड करे थे, जैसे कि ट्रक ट्रॉली, फायर इंजन एंड एक लैंडेड फॉर्च्यूनर एंड साथ ही अपने नाइट मोड को। और इंडियन बैक्ट्री का आप सोचेंगे कि और भाई और चीज ऐड नहीं करी थी क्या, जैसे कि लैम्बोर्गिनी और भी बहुत सारी चीजें कार जैसे बुलेरो वगैरह, बट हमारे जो गेम के डेवलपर हैं उनपे और भी चीजें ऐड कर रहे थे, बट आप लोग इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे इस वजह से उन्होंने कुछ इतने ही चीट कोड ऐड कर पाए। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वाले अपडेट में आप लोगों को ये जीटी ऑप्शन या फिर कुछ अलग सा ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अभी तो इंडियन बकेट के अंदर गेम के डेवलपर में ऐसा कुछ भी ऑप्शन को नहीं इनेबल करा और ना भी अभी आप लोग कोई भी ऐसा ऑप्शन लेना चाहते हो, तो जीटी ऑप्शन ज्यादा ज्यादा लिखना नेक्स्ट वीडियो में वो भी या फिर नेक्स्ट अपडेट में तुमको नेक्स्ट अपडेट या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मेरे को सबसे पहले देखने को मिलेगा वैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा, तो आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना। तो चलो फिर आज की जो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जो मन कर देना। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, जब तक लेते हैं गुड बाय, टेक केयर।